हेलो गाइस, मैं हूँ माधव फिर ब्लॉगिंग में। तो आ चुका है मेरा न्यू ब्लॉग बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा मोबाइल इशू आ गया, मेरा कैमरा फॉल्ट हो गया था। अब तो मैंने नया मोबाइल ले लिया है। तो क्या है, आज मुझे खाना था चाय बिस्किट, और बिस्किट है ही नहीं, तो जा रहा हूँ। नीचे मेरे पापा खड़े दिख रहे हैं, तो चलो जाता हूँ। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग कर रहे हैं। अगर आवाज़ धीरे आएगी तो सॉरी, मैं चेक करके थोड़ी एडिटिंग करके तेज कर दूंगा आवाज। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने गाड़ी के अंदर, तो चलो चलते हैं। बस कॉलोनी के आगे ही, कॉलोनी से सीधे निकलो सीधा। बहुत धूप है, आप देख सकते हैं व्यू सभी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तब तक आप आगे देखिए। मोदी जी को स्पेशल थैंक्स कि अब इलेक्ट्रिक कार आ रही है। थोड़ी ऑटो ऑटो से तो जी उठेगी, क्योंकि ऑटो पतले आएंगे ना, जानते ही हो। इलेक्ट्रिक ऑटो इतने मच्छर से हैं, इतने मच्छर। और जो पहले डीजल पेट्रोल वाले आते थे, इतने मोटे। यार अच्छा रहेगा, जो जो देश में जिन जिन स्टेट्स में भीड़ होगी, बड़ा होगा, पर ऑटो घेर लेते हैं, व्हीकल घूम लेते हैं, तो ऑटो अब पतले हो जाएंगे। बढ़िया साइड से नहीं टीका बना के, तो अब हमें ना किसी दे करना चाहिए भगवान। और हाँ फ्रेंड्स, आपको हमेशा पढ़ते समय कोई भी काम करते से पहले सरस्वती माता को याद करना चाहिए, भगवान को चंदन लगाना, सारे भगवान। अब क्या है, आज शाम को ना मेरे पापा का बर्थडे है कल, तो हमें कुछ सामान लाएंगे, तो कुछ हम भगवान भी लाएंगे यहाँ पर रखने के लिए, खाली खाली शेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें हमेशा इस वाली उंगली से लगाना चाहिए। अगरबत्ती तो मैं जलाऊंगा नहीं, क्योंकि उससे डर लगता है मुझे। और